राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का आठवां मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा। आखिरी ओवर में राजस्थान की टीम को यहां पर 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर ग्रानिया सैम करन की ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव चुरेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन इस गेंद पर एक ही रन आया। अब चाहिए थे 5 गेंद पर 15 रन। ओवर की दूसरी गेंद पर भी शिमरन हिटमायर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन यहां पर भी वह 2 रन ही ले पाए और यहां पर तो वह बाल बाल रनआउट होते हुए भी बचे। अब चाहिए थे 4 गेंद पर 13 रन। ओवर की तीसरी गेंद पर भी शिमरन हिटमायर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर 1 रन तो आया और साथ ही साथ शिमरन हिटमायर 2 रन लेने के प्रयास में रनआउट भी हो गए। अब 3 गेंद पर 12 रन चाहिए थे और एक बड़ा शॉट तो चाहिए ही था। ओवर की चौथी गेंद पर भी ध्रुव चुरेल द्वारा शानदार शॉट खेला गया, लेकिन इस गेंद पर भी कोई बड़े रन नहीं आए, मात्र 1 रन ही मिला। और ओवर की 5वीं गेंद पर भी जेसन होल्डर ने शानदार शॉट खेला, लेकिन यहां पर भी पीछे फील्डर था और 1 रन ही मिल पाया। आखिरी गेंद पर ध्रुव चुरेल द्वारा यहां पर चौका भी लग गया, लेकिन यहां पर अब कोई फायदा नहीं था और पंजाब किंग्स ने इस मैच को 5 रन से जीत लिया। भले ही राजस्थान मैच नहीं जीती, लेकिन जिस तरह से ध्रुव चुरेल और हेटमायर ने यहां पर बल्लेबाजी की वह काफी तारीफ के योग्य है।